सत श्री अकाल जी सब नूं, मेरा नाम है गुरनीत बैदवान ते थोड़ा सारिआं दा इक वारी फिर इस चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। ते जिवें कि तुहानूं पता, असीं श्रीनगर तों बाद आए सीगे सोनामार्ग। सोनामार्ग असीं 2 दिन स्टे करन तों बाद हुण असीं जावांगे पहलगाम, जो कि सोनामार्ग तों 170 किलोमीटर की दूरी ते है। ते अज दा दिन असीं पहलगाम स्टे करांगे ते कल असीं जावांगे बायसरन वैली, बेताब वैली ते आरू वैली असीं जाणा सी, बट उधर रास्ता बंद है। सितंबर दे महीने च वी सोनामार्ग दा टैंपरेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, इसी करके तुहानू इधर गर्म कपड़े जरूर लेके आने चाहिए ने। पहलगाम कश्मीर की वो जगह जिथे कि सब तो ज़्यादा रश रहा, सब तो ज़्यादा टूरिस्ट उधर ही विजिट करता, तो सीजन ऑफ होने करके असी इंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह है होटल अकबर, जो कि मार्केट तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस होटल की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सोहनी है, तो लास्ट नाइट असी इतने ही स्टे किया। इस होटल की बैक साइड चलता है सिंध रिवर, जिसकी कि लेंथ है 108 किलोमीटर, तो ये 15,700 फिट की ऊंचाई तो शुरू होता है। कश्मीर के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सोहने ने, तो इन्हों किसी नाल भी कंपेयर नहीं करया जा सकता, इस करके कहा गया है कि जन्नत कितने होर नहीं सिर्फ कश्मीर च है। रोड ट्रिप्स उत्थे ही वधिया लगदियां ने, जिथे कि रश ना दे बराबर होवे ते तुसी शहर दे शोर शराबे तो दूर होवो। इस सब तो बाद ही तुसी नेचर नूं बहुत नेड़े तो फील कर सकते हो। पहलगाम, गुलमार्ग ते सोनामार्ग जाण वास्ते तुहानूं श्रीनगर तों होके निकलना पैंदा है, क्योंकि इन सारी लोकेशन्स दा मिड पॉइंट श्रीनगर ही है। असी पहलगाम आ चुके हैं, तो इतने व्यूज काफ़ी सोहने दिख रहे हैं, तो पहला नालों रोड भी काफ़ी छोटी हो चुकी है। कुछ लैंडस्केप्स इन्ने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिन्हों तो तुसी नज़र छेती नहीं हटा सकते। तो असी बेताब वैली एंटर हो चुके हैं, जो कि 7,851 फिट की ऊंचाई पर है। तो इस वैली की लेंथ अराउंड 11 किलोमीटर है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर किसी नूं चल के जाण च कोई भी दिक्कत होवे तां उह इत्थों ट्रोली रेंट कर सकते ने। तो यह ओही वैली है जिथे 1983 च सनी देओल की मूवी बेताब भी शूट हुई सी।
यह है एक छोटी जी शॉप जिथे कि तुसी वैली च जाने लिए समान कैरी कर सकते हो। इस लोकेशन ते आके थोनू चारों साइड बिल्कुल ही प्लेन ग्राउंड दिखेगा जो कि पहाड़ों के नाल घिरिया हुआ है। ते यह है कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेस जिथे कि लोग अपने फोटोशूट्स करवाते हैं। तुसी इत्थे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो जिस से थोनू ओल्ड ब्रिज व्यू पॉइंट वॉटरफॉल ते रिवर क्रॉसिंग सिर्फ 400 च करवाउणगे। अज बेताब च दो अलग अलग स्कूल के बच्चे पिकनिक लिए आए हुए ने जिन्हां चों ये सब तो छोटे बच्चे ने। हुण असीं चले हाँ बेताब तो बाई सरन वैली जो कि इतों 10 किलोमीटर दूर है। अगर तुसी बाई सरन दे ट्रैक ते पैदल जाना ही पसंद करते हो तो ये ट्रैक कवर करन लई तुहानू 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। इस रास्ते तुसी हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो ते कुछ दूरी तक अपना व्हीकल लेके जाना भी अलाउड है। इस करके असी अपनी कार च ही अगे तक चले हाँ। हैचबैक ते सिडैन कार तुहानू इत्थे ही पार्क करनी पवेगी क्योंकि अगे रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। बट तुसी SUV नू बाई सरन तो 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हो। तो इत्थे असी हाइट ते आ चुके हैं जिथे कि व्यूज काफ़ी सोहने दिख रहे हैं। इस जगह ते कार नू पार्क करन तो बाद असी अगे दा रास्ता पैदल ही कवर करांगे। कश्मीर दे पहाड़ां ते ट्रैक करन दा वी इक अलग एक्सपीरियंस असी इंजॉय कीता। तो इन्हां रास्तों ते तुसी बहुत सोहने सोहने व्यूज देख सकते हो जो कि तुसी होर किते भी नहीं देखे होंगे।
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਸਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ 7,200 ਫਿੱਟ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ 600 ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਟੇਲ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਰੂਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ 8,000 ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਨਰ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।